नमस्कार भाई लोग। वो दिन का जो मेरा लाइफ बीच में रुक गया था, तो उसको अभी मैं ख़त्म कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, और वो बाकी के क्वेश्चंस थोड़े लंबे लगे तो मैं वो नहीं उठा रहा हूँ। ओके, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंटी नेटलिज्म। नहीं, मुझे एक भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं मिला है एंटी नेटलिज्म के खिलाफ। कोई तर्क ही नहीं है भाई, कोई तर्क ही नहीं है। मतलब लॉजिकल आप इमोशनल कर सकते हो कि भैया मुझे बच्चे पैदा करना है, मुझे वो खानदान को आगे बढ़ाना है, मुझे इंसानियत का क्या होगा, ये सब नाटक आप कर सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ एक ही है कि इंसानियत ख़त्म हो जाए, ओके, और ये धरती फूले फले, और अगर हो सके तो सारी ही जीवन जो है, सारा जीवन जो इस धरती पे है, वो ख़त्म हो जाए। ऑलराइट, तो वो हो गया। नाउ हाउ गेटिंग रिड ऑफ माइंड चैटर। और माइंड चैटर का कैसा है ना कि पहले तुम माइंड चैटर को देखो, ओके, तुम उसको रीड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ इट। आप उसको बस देखो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर जैसे आपको पता चलेगा, जैसे आपको एहसास होगा कि ये सब नाटक है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऑलराइट, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये खुद से गिर जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ओके, ये एक टीवी है जो चलता रहता है, बट एक बार आपको पता चला कि ये टीवी का कुछ कोई मूल्य नहीं है, तो आप उसको उसके तरफ देखोगे ही नहीं। ऑलराइट, सो जस्ट डोंट लुक एट माइंड चैटर, नो सॉरी, लुक एट माइंड चैटर एंड जस्ट रियलाइज कि एक सब नाटक है, सब नाटक है। वो खुद ब खुद थम जाएगा, एक दिन वो टीवी खुद से फट जाएगा। ऑलराइट, जब तक आप उस टीवी को पावर दे रहे हो तब तक वो चलता रहेगा। वो पावर खुद से, वो आपके माइंड में, वो अगर आप पावर आपने रोक दिया तो खत्म है ना। ऑलराइट, मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ? मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पहले तुम बैंगलोर में सिखाना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, यहाँ के लोगों को एक तो इंग्लिश नहीं आती, ना ही हिंदी आती है। ऑलराइट, इनको सिर्फ कन्नड़ा आती है, इनको अपने नेबरिंग स्टेट्स की भी लैंग्वेजेस नहीं आते, तमिल ना आती है, तेलुगु आती है, कुछ नहीं। तो इधर के एजुकेशन का स्टेट काफ़ी ख़राब है, मतलब, और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए, और ये लोग काफ़ी अग्रेसिव है कि यू नो आप भी कन्नड़ा सीख लो, ये वो। तो यहाँ पे एक तो एनवायरमेंट नहीं है, सेकेंडली IAS का एनवायरमेंट दिल्ली में काफ़ी है, तो मुझे वो चाहिए, जहाँ पे लोग सिर्फ IAS की बात करे, या फिर सिर्फ नॉलेज की बात करे, या फिर आगे बढ़ने की बात करे। मुझे इंग्लिश भी सिखाना है IELTS में, तो वो सब जो अपॉर्चुनिटीज़ है, लार्जर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब दिल्ली में है। अगर यहाँ पे अगर मैंने किया ना, तो पहले तो सैलरी थोड़ा कम मिलेगा मेरे हिसाब से, और दूसरा दूसरा कि यार ये जो क्या बोले, मतलब यहाँ पे बोलेंगे अरे आप कन्नड़ा नहीं बोलते, तो ये लोग काफ़ी ऐसे हॉस्टाइल है, यू नो, क्योंकि उनको नहीं आता कुछ, तो ये लोग अब इंग्लिश बोलने वालों के खिलाफ काफ़ी हॉस्टाइल हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट नॉट वर्थ द दिस, यू नो। ओके, और एक सवाल था, दोस्त गलत रास्ता चुन रही है, उसने अब डिवोर्स हो गया उसका, और उसने अपने बच्चे को भी हस्बैंड को दे दिया। गलत रास्ता मतलब क्या भाई, आपको डिसाइड करना होगा। वो ओनली फैंस पे जा रही है, वो प्रोस्टिट्यूट बन रही है, क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है ये गलत रास्ता, दारू पी रही है, तो आपको ये सब डिफाइन करना होता है। जब आप क्वेश्चंस लिखते हो ना, तो एकदम डिफाइन करो कि क्या है, कैसा है, कौन है, यू नो, क्या कर रहे हैं, तो फिर ताकि मैं वो ये कर सकूं। अभी एंटी नेटलिज्म आपको उनको सिखाना है तो आप सिखा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू गो स्लोली। ओके, एंटी नेटलिज्म बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। मैं इतना एक्सट्रीम क्यों हूँ, क्योंकि लोग फिर पहले मुझे देखेंगे, जो लोग देखना भी नहीं चाहते वो नहीं देखेंगे, लेकिन जो लोग देखेंगे उनको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, अच्छा बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहिए, ओह ऐसा है क्या, अच्छा ये है। और जो लोग, जिनको समझ नहीं है ना, वो लोग को समझ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। वैसे भी धरती खत्म होने वाली है, अपना एंटोनियो गुटेरेस UN का जो चीफ है, वो उसने खुद बोला है कि वी हैव लेफ्ट ग्लोबल वार्मिंग, नाउ इट इज ग्लोबल बॉइलिंग करके। तो अभी कोई होप नहीं है, तो क्या स्ट्रेस ले रहे हो, मतलब कुछ बोलने की बात नहीं। और अगर वो गलत रास्ता खुद से चुन रही है आपके बोलने के बावजूद, तो वी कैन नॉट हेल्प इट, कुछ कर नहीं सकते हम, करने दो, अभी हम क्या ही कर सकते हैं, यू नो। और मेरे हिसाब से आप इसमें घुस जाओ, मतलब वो जो होता है ना, आई टोल्ड यू सो, उस वाइब में घुस जाओ आप, कि मैंने आपको बोला था ये गलत है, कुछ होगा गलत, कुछ बहुत घटिया होगा, तो बस उतना ही सीन है। ओके, ऑल राइट, हाउ टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। देखो भाई, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, ऑल राइट, तो आप ये सब इन पे जाओ ना, अक्षत श्रीवास्तव, ये सब राहुल मलोडिया, ये लोग जो एडवाइस दे रहे हैं, इनका, ये लोग मेरे हिसाब से इनका ठीक ठाक ही एडवाइस है। आप अपना दिमाग लगाओ, लेकिन मेन, ओके, और सिंपल है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है, पैसे कमाओ थोड़े,
थोड़ा स्टॉक मार्केट में डालो, थोड़ा गोल्ड में डालो, थोड़ा रियल एस्टेट में डालो, इतना भी क्या है मतलब। और उसके डिटेल्स के लिए मैं डिटेल्स में नहीं घुसने वाला, जब मैं प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा तो शायद मैं घुस जाऊंगा, आपको भी बताऊंगा कि क्या करना है। बट आप अपना दिमाग, बेसिकली आपको अपना दिमाग लगाना है। ऑल राइट, एंड लुक एट दीज वीडियोज, असेस देम फॉर योरसेल्फ, इनका बिलीव मत करो। और आपने तो बोला था टाटा शेयर्स ऊपर जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई, आप देखो खुद से और थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा यहाँ में डालो, थोड़ा वहाँ। आपके पास 50,000 रुपए भी होंगे ना तो दो बैंक्स में डालिए, ऐसा है। वो होता है सावधानी, वो होती है सावधानी। ऑल राइट, नाउ वाई आई एम प्रो मैरिज, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैरिज का कोई तर्क है ना, कोई लॉजिक है, तो मैं प्रो मैरिज हूं, इन द सेंस ऑफ कि आई वॉन्ट अ पार्टनर फॉर श्योर। ओके, ये मेरी मेरी अपनी राय है फॉर वेरियस रीजंस। मैं वो पार्टनर, एक पार्टनर चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ यू नो यूट्यूब वीडियोज बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ फाइनेंस बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट समन टू बैक मी अप, आई वॉन्ट समन हु जो पीछे मतलब जो बैक में मेरा काम करे, जो मैं फ्रंट में कराऊँ, मतलब वो कंफर्टेबल होनी चाहिए बैक में काम करने के लिए और मैं फ्रंट में। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकम ईजियर, मतलब घर घर रेंट करना ईजी हो जाता है, यू नो सोसाइटी में अपनी ये ईजी हो जाती है। और मैं जानता हूँ कि ये सोसाइटी थोड़ी पागल है, मैं समझता हूँ ये चीज़, लेकिन मैं मुझे मन है, मतलब अगर वो लड़की को सच में मन है कि भैया यू नो हम थोड़ी अपनी लाइफ इजी ही कर देते हैं ना, तो मैं मान लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई एम प्रो मैरिज, मतलब आई एम नॉट प्रो मैरिज, आई एम न्यूट्रल ऑन मैरिज। आप मुझे समझा दीजिए, कोई भी औरत अगर आप मुझे आके समझा देगी कि शादी करना उसके लिए क्यों जरूरी है, तो मैं कर लूंगा। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे इजी चीजें हो जाती है मैरिज के बाद, चीजें बहुत इजी हो जाती है मैरिज के बाद। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ी डिफिकल्टी है, बट मैं तो उस पर काफी एक्सपर्ट हूँ यार। आप मतलब आप मेरे ब्लैक शीप अकेडमी वीडियोस देखिए, मैं हर चीज समझता हूँ, और अगर नहीं समझता हूँ तो उसको बैठ के पढ़ूंगा, यू नो उसमें क्या बड़ी बात है। तो आप भी ये चीज समझ लीजिए कि आप मैरिज का प्रो या अगेंस्ट होना कोई पॉइंट नहीं है। एमजी मगटाओ ये सब होना, ये सब कोई पॉइंट नहीं है। आप वक्त के हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से, आपके संतुलन के हिसाब से वो देखिए ना, वही तो सिंपल ये है। ऑल राइट, रिलेटिव्स और सोसाइटी की हकीकत, आ हा अति सुंदर। रिलेटिव्स का क्या है ना वो लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड है ना, मतलब अभी जो आंटियां बात करती रहती है, उनके पति उनको देखते नहीं है। ऑल राइट, उनको पति उनको कुछ देते नहीं है, ऑर्गेजम का तो खास उनको मतलब पता नहीं है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो लोग आप पे निकाल रहे हैं। उनको चाहिए प्यार, और उनको वो प्यार कैसे मिलेगा, ये सब घटियागिरी करके। ओके, आंटी अंकल जो भी है वो लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। वो अंकल को कुछ और चाहिए था, वो आंटी को कुछ और चाहिए था, फिर भी उनकी शादी हो गई, फिर भी वो नहीं 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 वो एक फैक्ट्री के लाइन पे थे वो लोग जिंदगी भर। तो आप उनकी बात भी समझिए, उनको उनकी निंदा मत कीजिए, उनको ये मत बोलिए कि आप घटिया लोग हो, ये वो, आप अपनी बिजनेस से बिजनेस रखो। उनकी बात समझिए कि ये लोग बेचारे हैं, हाँ जी हाँ जी बोल के निकल जाइए। ऑलराइट, और अगर उनको समझ सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, तो कीजिए, नो नो प्रॉब्लम दैट। बट इनकी बात भी समझिए कि वो अंकल कभी जिंदगी में अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसको सिखाया नहीं गया कैसे एक्सप्रेस करने। वो आंटी ठीक से प्यार चाहती थी, अटेंशन चाहती थी, उसको वो मिला नहीं है, तो वो निकालेंगी कहाँ पे, बाकी लोगों पे, रिलेटिव्स पे। तो यही उनकी हकीकत करता है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देना चाहते हैं। मिजरी लाइक्स कंपनी। ओके, ऑल राइट, डेटिंग एडवाइस। ओके, डेटिंग एडवाइस पे मैं ना पूरी वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं। ऑल राइट, और वो मैं अपलोड कर दूंगा बिकॉज वो बहुत लंबी कहानी है। तो फिर पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद आप मेरी पिछले वीडियोज देखो, लव पे या फिर ट्रस्ट पे या फिर इस सब पे, उस पर वो भी हिंदी में भी बना दूंगा मैं ठीक से। ऑल राइट, और वो है मेरी एडवाइस बेसिकली, यू नो लाइक आई विल सिट, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी गाइस, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लाइक बेसिकली मैं कर दूंगा मतलब। ओके, और एक टेंशन फ्री लाइफ कैसे जिए। ऑल राइट, तो टेंशन फ्री लाइफ का देखो यार, आप टेंशन लेते क्यों, खाना नहीं है। ऑल राइट, कल के बारे में सोच रहे हो, परसों के बारे में सोच रहे हो, खाना कैसे बने परोसेगा, अब कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। बट ज्यादातर आप में से लोग ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। करेक्ट, अब खाने के लिए आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आप इतना तो कमा लोगे, लेकिन लाइफस्टाइल को आपको बनाने के लिए आपको बहुत बहुत सारे पैसे चाहिए। तो उस लाइफस्टाइल के आइडिया से अगर आप निकल जाएं तो बेहतर रहेगा ना आप ही के लिए, मतलब वो लाइफस्टाइल ही
आप पीछे क्यों पड़े हो लाइफस्टाइल के, जस्ट फर्स्ट मेक अ नॉर्मल लाइफ फॉर योरसेल्फ, इंजॉय इंजॉय योर लाइफ राइट, जस्ट लर्न कि इतने में कैसे जिए, और जी सकते हो यार आप, मतलब आप अगर इतने में खुश नहीं हो ना तो आप इतने में भी खुश नहीं होंगे ऑलराइट। अम्बानी भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, सबको और पैसा चाहिए, और पावर चाहिए, और पैसा चाहिए, और कब तक, पूरी दुनिया जीत लिया, अब क्या करोगे भाई राइट। तो माय पॉइंट इज कि टेंशन में पहले तो आप लाइफस्टाइल के पीछे मत भागो ऑलराइट, और सेकंड थिंग आप इसके पीछे मत भागो कि आप इस भ्रम में मत रहो कि आप कुछ हो, आप कुछ नहीं हो, आप मर जाओगे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऑलराइट। आपको कुछ होगा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े लोग रोएंगे फिर उसके बाद, चलो मेरे को फर्क पड़ेगा 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा ऑलराइट। तो द पॉइंट इज सबको अपनी जिंदगी जीनी है, तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़े चीज हो, आपको अपने आपके शरीर को मेंटेन रखना है, ये आपका मेन स्ट्रेस है ना कि आपको शरीर को मेंटेन रखना है, आप शरीर से दूर हो जाइए कि ठीक है ये एक चीज है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए जिंदगी खुल जाएगी ऑलराइट। जैसे आप जिंदगी को देखते हो, जब आप शरीर से निकल जाओगे ना, शरीर के आइडेंटिफिकेशन से, मेरा खाने का क्या होगा, मेरा इसके क्या होगा, क्या उसके क्या होगा, खाने के इसमें लोग अपनी सारी जिंदगी जाया कर देते हैं भाई। तो मतलब क्या क्या लगा रखा है आप इस स्ट्रेस में, क्यों जीते हो कि मेरे शरीर को रखना है, मेरे शरीर को, शरीर से बाहर निकल जाओ, शरीर और मन से बाहर निकल जाओ, तभी ही आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएगा। नहीं तो आप जैसे आपको लगेगा कि मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं शरीर भी हूं, मैं मेरा घर भी हूं, मैं मेरा गाड़ी भी हूं, तो हर चीज का स्ट्रेस होगा, हर चीज का स्ट्रेस होगा। फिर आपको लगेगा ना, अरे मुझे लग रहा है, अब मेरी गाड़ी को लगा तो मुझे लग रहा है, आपको कुछ नहीं लग रहा है भाई, आपको गाड़ी को लगा है बस, जिसके लिए आपने पैसा भरा है, उस पैसे को अपने अपने टाइम के लिए एक्सचेंज किया, इसका बुरा लग रहा है आपको ऑलराइट। तो वो उस भ्रम से बाहर निकल जाइए, जो करना है वो ही करना है और वो ही कीजिए, मतलब देर इज नथिंग एल्स टू डू। आपको खाना पीना है वो कर लो ना, इतना तो काम कर लोगे यार आप, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप गरीब भी हो तो आप गिग इकोनॉमी से 25-30 हज़ार तो कमा ही लोगे यहाँ वहाँ, तो क्या स्ट्रेस ले रहे हो। जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ योर लाइफ, दैट देर इज नथिंग टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट, बिकॉज नो वन इज स्ट्रेसिंग अबाउट यू, वो लोग खुद के बारे में ही स्ट्रेस कर रहे हैं और वो भी फालतू में। तो बस इतना ही बोलना था आज मुझे, मैं संडे या वेडनेसडे को आ जाऊंगा डेफिनेटली, बट संडे को मैं ट्राई करता हूँ आने के लिए, और एक पूरा सेशन रखते हैं ऑन डेटिंग ऑलराइट। चलो थैंक यू बाय।